दोस्तों, मैं सचिन कुमार अचीवर्स ICS एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी कुशल मंगल होंगे। 17 फरवरी 2020 को लॉरियस अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और आज मैं लॉरियस अवार्ड पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि इस अवार्ड के प्राप्तकर्ताओं में हमारे भारतवर्ष के गौरव, जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान के नाम से भी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, इस प्राप्तकर्ताओं की सूची में शामिल हैं। आज लॉरियस अवार्ड पर चर्चा करने का एक कारण यह भी है कि हाल ही में 9 फरवरी 2020 को ऑस्कर अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि लॉरियस अवार्ड के बीच में यह ऑस्कर अवार्ड कहां से आया, तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि यह लॉरियस अवार्ड खेलों में ऑस्कर के समतुल्य माना जाता है। तो यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सवाल बनकर उभरता है। सवाल यह आ सकता है कि खेलों के ऑस्कर के नाम से किस अवार्ड को जाना जाता है, तो जिसका आप उत्तर आसानी से बना लेंगे और वह होने वाला है लॉरियस अवार्ड। लेट्स मोर डिस्कस ऑन दिस। लॉरियस ग्रीक शब्द लॉरियल से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जीत का प्रतीक। तो यह लॉरियस पुरस्कार प्रतिवर्ष खेल और खेल से जुड़ी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसका प्रमुख उद्देश्य खेल के माध्यम से हिंसा और भेदभाव को समाप्त करना होता है और साथ ही यह भी बताना है कि खेलों में वह शक्ति है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। सर्वप्रथम लॉरियस अवार्ड की स्थापना सन 1999 में लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के द्वारा किया गया था और उन्हीं के तत्वाधान में पहली बार इस अवार्ड का वितरण सन 2000 में किया गया था। और सन 2000 में इस पुरस्कार के वितरण का आयोजन यूरोप के एक छोटे से देश मोनाको मोंटे कार्लो यहाँ पे की गई थी और उस वक्त पुरस्कार वितरण के कुल 6 कैटेगरियाँ हुआ करती थी। अब चूंकि मैंने एक देश का नाम लिया मोनाको, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है आगामी किसी परीक्षा में आपके काम आ जाए। और वो तथ्य यह है कि मोनाको विश्व का दूसरा सबसे छोटा कंट्री है। जी हाँ, और जब मैंने इसे कहा है कि विश्व का सबसे दूसरा छोटा कंट्री, तो पहला कंट्री भी होगा जो सबसे छोटा है। जी बिल्कुल है। तो वह जो सबसे छोटा कंट्री है विश्व का, वह है वेटिकन सिटी, जिसको हम पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। हम हैं सन 2000 में, जब पहली बार लॉरियस पुरस्कार के वितरण की परंपरा को प्रारंभ किया गया था। तब परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हमें यह मालूम हो कि सन 2000 में पहली बार लॉरियस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन कौन है। जी, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के प्रथम प्राप्तकर्ता जो व्यक्ति, उनका नाम है टाइगर वुड्स, जो कि एक भारतीय मूल के अमरीकी गोल्फर है और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर को प्राप्त करने वाली पहली महिला है, वो है मैरियन जोन्स। और मैरियन जोन्स से आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि मैरियन जोन्स ही वो पहली महिला है जिनसे पहली बार यह पुरस्कार वापस भी लिया गया था। जी हाँ, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया था, जिसमें इनको दोषी पाए जाने के कारण इनसे यह अवार्ड वापस ले लिया गया था। तो याद रखने वाली बात यह है कि पहली महिला भी यही है जिन्हें यह अवार्ड प्राप्त हुआ और यही पहली महिला है जिनसे यह पुरस्कार वापस भी लिया गया है। चलिए अब हम वर्तमान में आ जाते हैं, बात करते हैं 17 फरवरी 2020 की, जब लॉरियस पुरस्कार का आयोजन जर्मनी के बर्लिन शहर में किया गया था। और साथ ही हम यह देखते हैं कि सन 2020 में लॉरियस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन कौन है। कि मैं एक भारतीय हूँ और आप भी एक भारतीय हैं, तब मैं एक गर्व की बात महसूस करता हूँ कि ऐसे किसी सूची में किसी भारतीय का भी नाम है। तो इसलिए मैं इस अवार्ड के प्राप्तकर्ताओं में पहला नाम लूंगा, सचिन तेंदुलकर का, जिन्हें लॉरियस ने बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की कैटेगरी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को। आपको बता देना चाहूंगा कि यह लॉरियस के इतिहास में 20 वर्षों के इतिहास में इनफैक्ट पहली बार है कि जब संयुक्त रूप से दो लोगों को यह पुरस्कार आपस में साझा करना पड़ रहा है। एक है लुइस हैमिल्टन, जो कि फार्मूला वन रेसिंग में मर्सिडीज के ड्राइवर है, और दूसरे व्यक्ति हैं लियोनेल मेसी, जो कि बार्सिलोना की ओर से वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर इस कैटेगरी में यह सम्मान पाने वाली महिला है सिमोन बाइल्स, जो कि एक अमेरिकन आर्टिस्टिक जिमनास्ट है। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाली जो टीम है वह है साउथ अफ्रीका की मेंस रग्बी टीम। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के सम्मान में सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं एगान बर्नॉल, जो कि एक कोलंबियन साइक्लिस्ट हैं। ये सन 2019 में पहले लैटिन अमेरिकी बने हैं जिन्होंने टूर डे फ्रांस को जीता है। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित होने वाली हैं सोफिया फ्लॉर्श, जो कि एक जर्मन रेसिंग ड्राइवर हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विथ अ डिसेबिलिटी के विनर है यूक्रेनियन अमेरिकन
ओक्साना मास्टर्स जो कि एक स्कीयर हैं। इनकी हाल ही में उपलब्धियां हैं कि इन्होंने 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा नॉर्डिक स्कीइंग चैंपियनशिप में। इसके साथ ही यह होल्ड करती हैं एक क्रॉस कंट्री वर्ल्ड कप टाइटल। लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली हैं 19 वर्षीय क्लो किम जो कि एक अमेरिकी स्नोबोर्डर हैं। इनके नाम सन 2018 में विंटर ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। डर्क नोविट्स्की को लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि एक जर्मन बास्केटबॉल प्लेयर हैं। लॉरियस एकेडमिक एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है स्पेनिश बास्केटबॉल फेडरेशन। लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड के प्राप्तकर्ता हैं SBU साउथ ब्रॉन्क्स यूनाइटेड। यह यूनाइटेड स्टेट्स की एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जो कि वहाँ के गरीब बच्चों को टीम वर्क, लीडरशिप और एकेडमिक स्किल सिखाती है, साथ ही उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि ये बच्चे आगे जाकर अपने हाई स्कूल्स, कॉलेजेस और करियर में सफलता प्राप्त कर सकें। Hope you guys are having benefits of our channel and hoping this video will also prove helpful in your upcoming exams. Please keep showing your love to our channel and be patient for our next video. Till then, bye-bye.